जिसकी मृत्यु का समय नहीं आता, उसे कोई नहीं मार सकता। आखिर कौन से हैं हिंट्स जो बाहुबली 2 में दिए गए थे बाहुबली 3 के लिए? क्या बाहुबली 3 बन पाएगी या नहीं? क्या हुआ था बाहुबली 2 के आखिरी पार्ट में? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या बाहुबली 3 भी आएगी, क्या तीसरा पार्ट भी आएगा, और आएगा तो कब? दरअसल आपको बता दें कि बाहुबली 2 फिल्म में कई ऐसी बातें हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि इस फ्रेंचाइजी का अगला पार्ट भी बन सकता है। फिर बाहुबली 2 को लेकर हुए तमाम इंटरव्यूज में खुद डायरेक्टर राजामौली ने कभी सीधे तौर पर इनकार नहीं किया कि बाहुबली 3 को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं बाहुबली 3 के कुछ ऐसे हिंट्स जो बाहुबली 2 में देखने को मिले थे। दोस्तों, पहला हिंट, अगर आप फिल्म देख चुके हैं तो आप समझ जाएंगे, और अगर देखने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। जब महेश मती के सिंहासन पर बैठने के बाद महेंद्र बाहुबली ने वादा किया, मेरा वचन है ही शासन। अब इसको लेकर यह भी कहा जा सकता है कि क्या पता बाहुबली और उनके बेटे के बीच सिंहासन को लेकर लड़ाई हो इस फ्रेंचाइजी के पार्ट 3 में, या फिर कुछ और भी। दोस्तों, अब ये वक्त ही बताएगा। दोस्तों, दूसरा हिंट, इसके अलावा एंड में कास्टिंग आने पर कुछ समय रुके जरूर, एक बच्चे की आवाज में सवाल उठेगा कि क्या इसके बाद महेश मती पर शासन किसने किया? क्या महेंद्र बाहुबली और उनके बच्चों का राज चला? इस पर बाहुबली वाले सन्यासी की आवाज में जवाब आता है, शिव की मर्जी मैं क्या जानू। अब फिल्म के हाइप और क्रेज को देखते हुए पूरे चांसेस हैं कि फिल्म मेकर्स इसके अगले हिस्से पर भी दाव लगाना चाहेंगे, फिर भले ही उनको दोबारा 2 साल का टाइम बाहुबली को पर्दे पर लाने में क्यों ना लगे। दोस्तों, तीसरा हिंट, बाहुबली 2 का अंत भल्लाल देव की मौत से हुआ और बिजाल देव का किरदार जीवित है। हालांकि जो महेंद्र बाहुबली के राज तिलक में शामिल हुआ, लेकिन बाहुबली और बाहुबली 2 देखने के बाद ये समझ में आ गया कि शांत होकर बैठने वाला किरदार नहीं है वो, और कटप्पा के किरदार में अभी इतना दम है कि उसे बाहुबली 3 में भी पिरोया जाए। क्या पता इस फिल्म में कटप्पा का पास्ट ही सबके सामने आ जाए। दोस्तों, अब आता है चौथा हिंट। तो बाहुबली में महेंद्र बाहुबली की प्रेमिका के किरदार में दिखी तमन्ना भाटिया यानी अवंतिका की बस झलक भर ही है। उनके फैंस अगर पलक झपका लेंगे तो शायद उनकी मौजूदगी देख भी नहीं पाएंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बाहुबली के अगले पार्ट में दोनों का मिलन कराया जाए। बाहुबली 2 में महेंद्र भले ही अपनी माँ देवसेना से मिल गया हो, लेकिन प्रेमिका अवंतिका से उसका मिलन अभी अधूरा है। यानी बाहुबली 3 का पूरा स्कोप है, बाहुबली का पहला हिस्सा हो या दूसरा, तकनीकी कौशल में फिल्म हॉलीवुड के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को टक्कर देती है। ऐसे में पूरे चांसेस हैं कि इसे अगली कड़ियों में बढ़ाया जाए। दोस्तों, ठीक वैसे ही जैसे विदेशों में फिल्मों के नाम के साथ संख्या जुड़ती जाती है, फास्ट एंड फ्यूरियस 300 जैसी मूवीज की तरह। तो दोस्तों, अब आता है पांचवा हिंट, बाहुबली 2 को लेकर हुए तमाम प्रमोशनल इवेंट्स में राजामौली के सामने ये सवाल आया कि क्या बाहुबली 3 बनेगी। इसको लेकर उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं कहा। वैसे उन्होंने ये बात कबूली कि पहले बाहुबली को लेकर वेब सीरीज बनाएंगे वो, इसके बाद आगे की प्लानिंग होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बाहुबली 2 देखने के बाद में समझ आता है कि दूसरे हिस्से के कुछ सीन्स पहले पार्ट के साथ ही फिल्मा लिए गए होंगे। ऐसे में महेश मती के जैसे सेट दिख रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि बाहुबली 3 की घोषणा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर इस हिंट को देखें तो बाहुबली 3 का आना पक्का है, पर बात है मेकर्स या राजामौली पर कि वो इस फिल्म को ला पाएंगे या नहीं, या फिर प्रभास इस फिल्म के लिए अभी तैयार हैं या नहीं। दोस्तों, ये तो अब हमें वक्त ही बताएगा। आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे आज के राइटर हैं निखिल।